तो कल हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे, देख भी लिए थे, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया था। ठीक है, नोमेनक्लेचर का अपना पार्ट, फिर जो बचा हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक, कुछ होमवर्क भी दिए थे बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? जवाब? हाँ सर, अच्छा, इसके बाद ये सब अपना हो गया था। ठीक है, यहाँ ये वाला होमवर्क दे दिए थे, कैसे करके हो रहा है, तो ये कैसे था, यहाँ पे +3 चार्ज -3 चार्ज इस तरीके से है। ठीक है, तो ये वाला क्या बताए थे हम, कि ये जो बेसिकली यहाँ जो 3 है, ये जो 3 लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वही वाला ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे करके हम लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसका जो 2 था वो कहाँ हम लिखे हुए, इस तरीके से कर, तो ये भी ध्यान में रखना, ये तो 2 है, तो ये जब अलग अलग करके लिखेंगे हम इसको, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और चार्ज में है तो इस तरीके से लिख रहे हैं। और नाम क्या हो जाएगा, तो कितने हैं यहाँ पे वाटर, तो 6 हैं, तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। ठीक है, और पानी के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा। ठीक, और ये कैटायन वाला पार्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे, निकेल को निकेल ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा निकेल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। ठीक है, 3 होगा लगता है, मिस हो गया। ठीक है, 3 हो जाएगा। क्यों 3, क्योंकि ये तो +3 में है, और वाटर क्या होता है, तुम्हारा न्यूट्रल हो जाता है, तो टोटल चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, ये कितने साइनाइड हैं, तो 6 हैं, तो एक्सा। और साइनाइड के लिए क्या हो जाएगा, साइनिडो, लिगेंड का नाम, और क्योंकि बॉन्डिंग है कार्बन के साथ, तो -C। और क्या नाम हो जाएगा, क्रोमियम, मेटल किसमें, एनायन वाले पार्ट में है तुम्हारा, तो क्रोमेट। ठीक है, ये और 3, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, समझ में आया। तो जो चौथा पॉइंट है, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग ब्रिज, अब वैसे का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, जो क्या कंटेन करता हो, ब्रिज। पहले ही बताए हैं कि जो लिगेंड भी होते हैं उसको ब्रिज लिगेंड भी कहते हैं, यानी कि दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्ड बनाने वाले को क्या कहते हैं, ब्रिज, यानी दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे OH, और वो जो होता है कौन होता है, जनरली मोनोडेंटेट लिगेंड ही ब्रिज लिगेंड की तरह भी काम करते हैं, मोनोडेंटेट वाले। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, NH3 का होल 4 CR। ठीक, और यहाँ पे उसके बाद ये जुड़ा हुआ है किससे, CO, कोबाल्ट है यहाँ पे। और ब्रिज में कौन कौन है, तो ब्रिज में भाई एक कौन सा है आपका, ब्रिज में एक है H2, सॉरी OH, और एक कौन सा है आपका, एक ये वाला हो गया ब्रिज में। ठीक है, और ये वाला NH2 भी किस में हो जाएगा, ब्रिज में। आया बात समझ में? उसके बाद कोबाल्ट भी यहाँ पे किस तरीके से है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, और ये वाला भी क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह ही रहा है। ठीक, ये वाटर क्या होगा, ये वाटर आपका लिगेंड हो जाएगा, एक्वा जिसको लिखते हैं, एमाइन, ये भी क्या हो जाएगा, आपका लिगेंड हो जाएगा। ठीक, और SO4 आपका किसमें आ जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, जिसको हम लोग काउंटर आयन भी कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन इसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से जैसे ही पार्ट बाहर निकलेगा ये क्या हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस पर अब देखेंगे चार्ज, चार्ज थोड़ा सा देख लेंगे कैसे कैसे आ रहा है। तो चार्ज के लिए थोड़ा सा जो है ना, ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हो रहा है चार्ज। अब जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, निकलेगा, तो SO4 पे कितना चार्ज आता है, -2, लेकिन SO4 यहाँ होल 2 है, तो जैसे ही होल 2 हो जाएगा, इसका मतलब इस पे कितने चार्ज हो जाएंगे, -4। ठीक है, कितने चार्ज हो जाएंगे, -4। अब -4 जैसा ही आ रहा है, तो इस पे, इस वाले पे बेटा क्या हो जाएगा, +4, कितना हो जाएगा, +4। तो अब देखेंगे किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमाइन जो है आपका, ठीक है, वो क्या होता है आपका, 0, न्यूट्रल। यहाँ वाटर भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अच्छा, इस OH का क्या होता है, -1। ठीक है, OH का क्या होता है, -1। इस NH2 का भी क्या होता है, -1। ठीक, तो कितने हो गए यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, -1 हो गए, ये भी क्या हो गया, -1। ठीक, तो इस वाले के रेस्पेक्ट में यदि हम देखें, इस वाले के रेस्पेक्ट में, यानी कि टोटल कितने थे अपने पास, +4 थे। ठीक है, कितने थे, +4 थे। अब जैसे ही ये वाला जो आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। ठीक, कैसे +3 हो गया, आप जिसका निकालना हो उसको क्या रखो, एक्स रख। ठीक है, जिसका निकालना हो उसको क्या रखेंगे हम लोग, एक्स, और ये सब क्या है, 0। तो एक एक ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और प्लस ये वाले को हम क्या मान लिए, एक्स।
ठीक है, ये वाला x और प्लस क्या जा रहा है माइनस वन, ठीक है माइनस वन, ठीक। और ये बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये वाला भी सेम दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा, ठीक है, से भी डायरेक्ट हो जाएगा उतना करने की जरूरत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस सॉरी माइनस फोर, हाँ ठीक है प्लस फोर है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस फोर है तो यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा आपका, जाहिर सी बात है माइनस वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस थ्री, और यहाँ भी कितना मिलेगा आपको प्लस थ्री, ठीक है। बस प्लस माइनस करना, वही जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से। बस एक चीज़ बात ध्यान में रखना है यहाँ पे नाम लिखते वक्त, कि नाम लिखते वक्त जो ब्रिज वाला जो रहेगा आपका लिगेंड, ठीक है, जो ब्रिज वाला लिगेंड रहेगा उसके लिए हम लोग न्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है न्यू का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखना। डोनेटेड बाय, ठीक है, लिगेंड इन नेमिंग, ठीक है, नेम जब हम लोग लिखेंगे, नेमिंग लिखेंगे तो न्यू का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कितने एमाइन थे ऊपर आपके सामने अभी स्ट्रक्चर गया है, तो चार एमाइन, ठीक है, यहाँ पे कितने एमाइन थे, चार एमाइन ऊपर में जा, ठीक है कितने एमाइन है, चार एमाइन भी है, चार वाटर भी है, क्रोमियम है, OH है, NH2 है और CO है और उधर सल्फेट है। तो नाम कैसे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले नाम जो लिखाएगा आपका वो लिखाएगा टेट्रा एमाइन, ठीक है, कैसे लिखाएगा टेट्रा एमाइन, इधर वाले से चालू करेंगे, ठीक है एक लाइन से चालू करेंगे, टेट्रा एमाइन क्रोमियम, ठीक है थ्री, ठीक है, और ब्रिज में क्या आएगा म्यू एमिडो, यहाँ भी क्या हो जाएगा दोनों हैं, एमिडो भी है हाइड्रोक्सीडो भी है, तो पहला किसका लिखेंगे एमिडो का, क्योंकि अल्फाबेटिकल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद म्यू हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, उसके बाद क्या टेट्रा एक्वा, चार पानी था इसलिए टेट्रा एक्वा, ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट थ्री और ये सल्फेट केवल, आया बात समझ में। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल भी है और एग्जाम्पल भी है, अब इसको ये वाला ये यहाँ पे आ जाता है ओ टू, ठीक है क्या आ जाएगा ओ टू, अब चार सी एल, तो चार सी एल का माइनस फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका प्लस फोर में आ जाएगा फिर से। अब यहाँ अपने को क्या चाहिए देखेंगे कोबाल्ट वाला, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों जो है आपस में क्या हो जाएंगे अलग अलग, जैसा कि ये वाला जो है ये तो न्यूट्रल है, ये भी क्या हो जाएगा न्यूट्रल ही है। अब यहाँ पे जरा सा देखेंगे, ठीक है, ये ओ टू जो है, अब ओ टू का चार्ज क्या है ये इंपॉर्टेंट, अब ओ टू का चार्ज क्या है, तो ये कहने का मतलब ओ टू न्यूट्रल भी हो सकता है, तो न्यूट्रल तो नहीं होगा, न्यूट्रल होगा तो फिर चार्ज कैसे करेंगे आपस में, वो मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। ओ टू माइनस रहेगा तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये सेम एग्जाम्पल टाइप है, चार्ज जो सेम है जस्ट ऊपर वाले का, तो ऊपर भी माइनस वन था, ये वाला भी माइनस वन था और ये वाला भी माइनस वन था, तभी पॉसिबल ये हो पाया, ठीक है, तभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो पाया था। और उसके बाद क्या कि जितना इसका रहता है ना ब्रिज वाले में उतना ही इसका भी रहता है, जनरली ऐसा, ठीक है, जितना इसका जैसे प्लस थ्री इसका रहा तो प्लस थ्री ये भी रहेगा, यहाँ भी एग्जाम्पल देखें प्लस थ्री इसका है तो प्लस थ्री इसका भी रहेगा, ठीक है, यहाँ भी देखें प्लस थ्री इसका है प्लस थ्री इसका भी रहेगा, तो ये एकदम सेम इस तरीके से बैठा हुआ है। तो अब यदि हम आगे देखें जरा सा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ओ टू क्या है माइनस में, ठीक, तो ये माइनस कंसिडर करेंगे और फिर सारा कुछ वैसा ही हो जाएगा। नाम लिखते समय क्या लिखेंगे टेट्रा एमाइन, ठीक है, फिर से कोबाल्ट कितना आया प्लस थ्री, फिर म्यू म्यू एमिडो, ठीक है, म्यू सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्साइड हो गया ना, ओ टू माइनस क्या हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्सीडो, उसके बाद फिर टेट्रा एमाइन और ये क्या हो जाएगा कोबाल्ट थ्री क्लोरीडो, ठीक है सॉरी क्लोराइड, ठीक क्या हो जाएगा क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एन एस थ्री होल फाइव सी आर ओ एच सी आर, इसमें एक ही है, एक ही ये है, यानी कि ये किस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा NH3, ठीक है, ये CR NH3 का होल फाइव है ना, NH3 का होल फाइव CR और ये डैश OH, ठीक है, और ये डैश ऐसे जाएगा और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा CR और ये हो जाएगा NH3 का होल फोर और ये वाटर H2O ऐसे कर, ठीक, तो ये इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब यहाँ बोलता है प्लस फाइव है, ठीक है, कितना है यहाँ पे प्लस फाइव, ठीक,
प्लस फाइव है तो प्लस फाइव हो गया, तो जाहिर सी बात है प्लस फोर था तो यहाँ पे दो माइनस थे, प्लस फाइव है तो कितना माइनस हो गया, एक ही माइनस हो गया, यानी कि फिर चार्ज दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएंगे दोनों में, सेम हो जाएंगे। ठीक, सिंपल सा भी आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो ना ये दोनों माइनस है तो माइनस टू हो गए, ये तीन तीन छः हो गए, प्लस फोर में हो गए, सॉरी प्लस सिक्स, तो दो घटाएंगे तभी प्लस फोर होगा। ठीक है, न्यूट्रल कर देंगे और ये वाला जो चार्ज है वो तो आ ही जाता है फिर सेंट्रल में चले। तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे यदि हम चले जाएं, ये अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कौन सा भाई एमोनिया है, कितना है पाँच है, तो पेंटाएमाइन, ठीक है पेंटाएमाइन क्रोमियम, ठीक है थ्री वैलेंस थ्री, और प्लस उसके बाद म्यू, म्यू किसके लिए भाई, तो ये हाइड्रोक्सीडो के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका टेट्राएमाइन, ठीक है टेट्राएमाइन एक्वा, क्यों पानी है भाई, टेट्राएमाइन चार था उसके बाद यहाँ पानी भी है, एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम थ्री आयन, ऐसा हो जा रहा है। ठीक, अब ये वाला आप एक बार ट्राई कीजिए किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, और ये वाला, ये दोनों आप ट्राई कीजिए। ठीक है, दो आपके लिए छोटे, दो आप ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आता तो फिर डाउट पूछिए इसका क्या होगा कैसे होगा। ठीक, अब हम लोग जो पांचवा केस लेकर के चल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड का कैसे होगा। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड का कैसे होगा, तो ये पूरा क्या हो गया न्यूट्रल, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या हो गया न्यूट्रल, ये क्या रहेगा माइनस थ्री। ठीक है, तो कोबाल्ट आपका जाहिर सी बात है प्लस थ्री हो जाएगा, इसको मान लेंगे एक्स, ये हो जाएगा थ्री सी एल माइनस, ठीक है थ्री सी एल क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस थ्री चला गया, ठीक है और ये माइनस थ्री चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो यहाँ पे कोबाल्ट किस में आ जाएगा प्लस थ्री में। नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, तो कितना है भाई, सबसे पहले एमाइन ही आएगा क्योंकि ए अल्फाबेटिकल लेटर में पहले आता है, तो नाम क्या हो जाएगा ट्राई एमाइन। ठीक है, उसके बाद तीन क्लोरो है, क्लोरिडो ट्राई क्लोरिडो और कोबाल्ट थ्री, बड़ा आसान है इसका। ये न्यूट्रल है, ये क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ये भी जीरो, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो, ठीक है पेंटा कार्बोनिल नाम हो जाएगा इसका, ठीक है जीरो। अच्छा ये क्या हो गया, ये नाम याद होगा आपका फेरोसिन, ये क्या है आपका फेरोसिन, याद आया, तो फेरोसिन में पहले से ही ये देखिए C5H5 है और ये होल ट्वाइस है, ठीक है होल ट्वाइस है, ध्यान से जरा सा, और खास बात है कि ये पेंटा डाई इनाइल होता है ना पेंटा डाई इनाइल, क्यों क्योंकि ये दो है ना पेंटा डाई इनाइल, और ये पूरा का पूरा इसी, अब इसके कारण ही जो है ना इसके नाम से पहले हम लोग क्या लिखते हैं बिस, ठीक है ध्यान में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बिस। ठीक, आपको याद होगा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है और यहाँ पे एफ था प्लस टू, ठीक और ये ऐसा और फिर ये ऐसा, ये कोऑर्डिनेट किया था और ये कोऑर्डिनेट किया, ये फेरोसिन सैंडविच स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कितने हैं दो हैं, ठीक है दो हैं, और पेंटा डाइईन, ठीक है यहाँ पे दो ईएनई ग्रुप है, ठीक है कितने ग्रुप हैं दो ईएनई तो है ना, डाइन तो नजर आ रहे हैं ना, पेंटा डाइन नजर आए, तो अब ये डाई लगा हुआ है नाम में, इसीलिए इसके नाम के पहले अब क्या लगाना पड़ेगा अपने को बीस, क्योंकि ये कितने हैं एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी, ये दो हो गए, ठीक है इसीलिए अपने को नाम से पहले क्या लगाना पड़ेगा बीस। ठीक, तो ये हो गया बीस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ठीक है इनाइल और आयरन, और ये क्या हो जाएगा टू ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या होता है टू प्लस टू। ठीक, उसी प्रकार से नीचे यदि हम आ जाएंगे तो ये फिर से अपना कौन सा आ गया, बेंजीन वाला, याद है ये वाला, ये ईटा, ईटा सिक्स का मतलब क्या है कि छह कार्बन एटम का वो रिंग बना हुआ है, ठीक है C6H6 बेंजीन वाला, तो ये भी क्या है, ये भी दो है, ठीक है तो नाम क्या हो जाएगा बीस, दो बेंजीन रिंग है ना, याद है ये वाला, ये ऐसा, ठीक है और ये सिया और ये फिर बेंजीन ऐसा, ठीक है ये इस तरीके से, तो ये नजर आएगा आप। ठीक, और यहाँ पे क्रोमियम का कितना हो जाएगा जीरो, जीरो रहता, ठीक है कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, ये
पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग में घूमता डिलोकलाइज्ड वाला अनइंटरप्टेड वाला जो रहता है वो वाला इसमें डोनेट करता है, तो इसीलिए इसका जो वैलेंसी रहता है वो क्या हो जाता है आपका जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर, और नाम क्या हो जाएगा बिस बेंजीन क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद यदि अगला एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा PtNH3 का होल टू ये Cl4, ये हो जाएगा न्यूट्रल, तो कितना आ जाएगा इस पे +4 Cl- है ना, तो ये वाला फिर इसको मान लेंगे X, क्या हो जाएगा X प्लस, X मतलब प्लस करेंगे तो माइनस की चार्ज है ना, तो X माइनस क्या हो जाएगा 4 = 0, ठीक है, तो X बराबर क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 यहाँ नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा डाइएमाइन, ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, प्लेटिनम, ऐसा हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो था पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर आपका समाप्त होता है। कोई भी कंफ्यूजन है नोमेनक्लेचर में तो अभी भी आप पूछ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या नोमेनक्लेचर में नाम लिखने में बताइए। हेलो, नो सर। हाँ, और फिर भी यदि रहता है तो फिर हम लोग डाउट सेशन में करेंगे डिस्कस, ठीक है। जो एग्जांपल नोटबुक में भी इवन बता रहे हैं, जो बता रहे हैं यहाँ पे, वो भी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा खासा एग्जांपल दिया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग एंटर कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारा चीज पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ भी कई सारे बॉन्डिंग पढ़ने, ठीक उसी प्रकार से जैसे बॉन्डिंग में एक जो थ्योरी है वो फेल होता था, उसके बाद फिर दूसरा थ्योरी आता था, ठीक यहाँ भी उसी प्रकार से एक थ्योरी, कोई एक थ्योरी जब फेल हो रहा है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है तो दूसरा थ्योरी जो है वो यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा है, वर्नर थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1893 में आया था वर्नर थ्योरी, ये सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे, ठीक। तो इसमें हुआ क्या था, जैसे कि साइंटिस्ट है, ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या था कि ये COCl3, ठीक है, PtCl4 इस तरीके का जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या कहें, इसमें ये वो क्या एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3, ये क्या है एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3, क्या हम कहना चाह रहे हैं, तो इसमें एडिशन किया गया NH3 का, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा एडिशन किया गया NH3 इसमें ऐड किया गया, तो बना क्या COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3, ये क्या चल रहा है इसको जरा गौर से देखो। जैसे कि एवरी मेटल, ठीक है, एवरी मेटल, ठीक है, चीज को समझेंगे वहां फिर से हम लोग दोबारा आए, कहता है कि हर एक मेटल जो होता है वो दो टाइप का वैलेंसी को शो करता है, ठीक है, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक मेटल आयन जो होता है वो दो टाइप के वैलेंसी को शो करता है, पहला को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। हर बढ़ाना नहीं है, सारे टर्म नए आएंगे लेकिन ध्यान में रखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। पहला को क्या कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा को क्या कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। साइंटिस्ट ने क्या किया, एडिशन किया, ठीक है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया और COCl3 PtCl4 इस तरीके के कंपाउंड के साथ NH3 को ऐड किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस टाइप का जो है कंपाउंड बन करके सामने आता, ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड जो है बन करके सामने आता है .6NH3 इस तरीके का। तो उसने क्या कहा, इसके आधार पे क्या है ये कि इसमें दो तरह के वैलेंसी होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, एक को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, तो कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगा वो ओनली सेटिस्फाइड बाय एनायन, वो किससे सेटिस्फाइड होगा, एनायन से, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात, ठीक, किससे सेटिस्फाइड होगा, एनायन से, एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किससे सेटिस्फाइड करेंगे हम लोग, यस एनायन के साथ साथ, ठीक है, एनायन के साथ साथ सेटिस्फाइड बाय एनायन एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड से भी ये क्या कर सकते हैं हम लोग इसको सेटिस्फाइड ये होगा। ये अभी केवल सुनना है, सारा चीज हम लोग जब लाएंगे काम में एग्जांपल देखेंगे सारा चीज फिर इस्तेमाल होगा। क्या हम बोले फिर से कि प्राइमरी वैलेंसी को केवल कौन सेटिस्फाइड करेगा, एनायन, और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करेगा, एनायन एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड भी। प्राइमरी वैलेंसी डोनेट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, डिनोट, ठीक है, डिनोट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो डिनोट किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम से, लेकिन ये डिनोट सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जी हाँ, इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम से,
चैतन्या ये करो जी, अपना म्यूट करो, म्यूट कीजिए चैतन्या। क्या बोले हम कि प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और ये डिनोट सेंट्रल मेटल ऑफ सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि प्राइमरी वैलेंसी डिनोट करेंगे, ठीक है, डिनोट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल एटम का उससे हम लोग डिनोट करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी को, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा सेंट्रल मेटल एटम को, उससे डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, तो आयोनाइजेबल किसी कॉम्प्लेक्स में है, आपको ध्यान में आ रहा है, तो आयोनाइजेबल कौन होगा ये थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, आयोनाइजेशन स्फीयर वाला, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर होगा, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होगा, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होगा, यानी कि नो रोल इन प्रिडिक्टिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करने में ये काम नहीं आता है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन ही फिक्स नहीं रहता, ठीक है। और ये क्या रहता है, डायरेक्शनल इन नेचर रहता है, इसलिए ज्योमेट्री बताने में जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी रहता है वो काम में आता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डैश लाइन से, डैश 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 ऐसे करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग थिक लाइन जो रहता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है ये, इस चीज को समझे, ठीक है, क्या है इस चीज को समझे, कैसे हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा